जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में करीब 100 साल पुराना पटाखा बाजार है। दिवाली पर कई दिन पहले से ही खरीदारों की लाइन लग जाती थी। बुकिंग तो कई हफ्ते पहले से ही हो जाती थी। गोदाम से माल सप्लाई होता रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद मार्केट में मौजूद हैं और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि दिवाली के समय तमाम तरीके की चीज़ें बाजारों में मिलती है। हालांकि जब दीपावली के त्यौहार की बात होती है जो सबसे पहली चीज़ मन में आती है वो होते हैं पटाखे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सरकार ने पटाखों की दुकानों पर बैन लगा दिया था। गिनी चुनी दुकानें हैं जिन्हें पटाखों का लाइसेंस दिया गया है, और जो पटाखे बेचे भी जा रहे हैं कहा जा रहा है कि वो ग्रीन क्रैकर्स हैं। अब ऐसा हो रहा है या नहीं, यही जानने के लिए आज हम जामा मस्जिद के इस बाजार में पहुँचे। ये कौन है यहाँ पर भैया? आप हैं ग्रीन क्रैकर्स मिल रहे हैं? हाँ, ग्रीन क्रैकर्स दिखाएंगे। ये कौन से हैं ग्रीन क्रैकर्स? ग्रीन क्रैकर्स, ये सारे ग्रीन क्रैकर्स हैं। आप क्लिप लीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाजार सारा खाली है, यही कहना है दुकानदारों का। जो बाजार दिवाली के चंद रोज पहले ग्राहकों की भीड़ से भरा रहता था, आज वहाँ सन्नाटा है। लोग जो आ रहे हैं वो फूलझड़ी और ऊंच के जा रहे हैं, महंगे होने की वजह से कम ही खरीदते हैं। कितना फर्क है, जैसे एक फूलझड़ी का पैकेट है कितने का है? एक फूलझड़ी का पैकेट 200 रुपए का है। और नॉर्मल पटाखों में कितने का होता था पहले? पहले हमारा ये आ जाता था 100 रुपए का। अच्छा, तो यानी ये एक पैकेट जिसमें चार डब्बे हैं, 10 पीस है एक डब्बे में, 5 डब्बे हैं और 10 पीस एक डब्बे में, दिखाएंगे प्लीज जरा आप यहाँ पर। ये देखिए, ये ग्रीन क्रैकर्स हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन। 5 डब्बे हैं, 10 पीस हैं एक डब्बे में। जामा मस्जिद बाजार के ही एक और दुकान में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर भी हमें बताया जा रहा है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही मिल रहे हैं। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स हैं आपके यहाँ भी? जी बिल्कुल, ग्रीन क्रैकर्स। अच्छा, तो ये ग्रीन क्रैकर्स हमें पता चला है सिर्फ फुलझड़ी और अनार के कैटेगरीज में, आपके यहाँ भी ऐसा ही है? हाँ, फुलझड़ी और अनार है, कुछ स्काई शॉट भी हैं पर लिमिटेड ही है। अच्छा, स्काई शॉट्स का डब्बा दिखाएंगे आप हमें प्लीज? ये 12 शॉट्स रखा हुआ है, वो 50 शॉट्स है। अच्छा, ये ग्रीन क्रैकर्स में आ रहे हैं, इसके सिवा और कोई नहीं? और कोई वैरायटी नहीं। अच्छा, तो सेल पे क्या फर्क पड़ रहा है लोग जो आ रहे हैं पटाखे खरीदने? हालांकि आपकी दुकान पे कई लोग नजर आ रहे हैं हमें, पर क्या सेल में फर्क है, क्योंकि अगर सिर्फ फुलझड़ी और अनार की ही कैटेगरी में आ रहे हैं? हाँ, फर्क तो पड़ता ही है ना, इंसान कितना ले लेगा फुलझड़ी और अनार, लिमिटेड ही तो होती है, एक लिमिट होती है। और दामों में फर्क है? हाँ, दाम पीछे से महंगे है। जैसे कितना? कितना? डबल, दो गुना करके हमें आप प्लीज बताएंगे? जैसे ये आपने बोला स्काई क्रैकर उसका डब्बा है वो 12। अच्छा, तो ये क्या इसका प्राइस है? 250 का। एक तो ग्रीन पटाखे गिनी चुनी वैरायटी के मिल रहे हैं, उस पर उनके दाम लगभग दो गुने हैं। खरीदने वाले ग्राहक उनकी क्वालिटी से भी संतुष्ट नहीं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इनसे पूछेंगे, क्या ले रहे हैं ये क्या खरीद रहे हैं आप? मैडम, मैं तो अच्छा खाली गत्ता, कोई पटाखा नहीं लिया? नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ग्रीन पटाखा ले रहे हैं। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है पिछले पहले जो पटाखे मिलते थे अब जो पटाखे? आप ये जला के देखिए, इसमें सिवाय धुआं के और कुछ नहीं है। जो नाम है ग्रीन पटाखा, आप खुद जला के देखिए, अभी साइड में खड़े होकर आपको पता चल जाएगा कि क्या ग्रीन पटाखा है। लोगों की दिवाली बिल्कुल गवर्नमेंट ने, आप समझ लो कोर्ट से जो भी हुआ है, सही नहीं हुआ है, दगवल होगा। जो चीज़ एक 30 रुपए की मिलती थी, वो 60 रुपए की एक फूलझड़ी मिल रही है। तो फर्क पड़ा है, प्रदूषण में फर्क पड़ा है कि आपकी दिवाली में फर्क पड़ा है? प्रदूषण में भी और दिवाली में भी। क्या दिवाली में कैसे फर्क पड़ा है? काफी मतदाय देखिए आप, मार्केट में इतनी रौनक नहीं जितनी होनी चाहिए। यानी ग्रीन पटाखों के न दाम ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं न क्वालिटी, ऐसे में कारोबार पर तो असर पड़ेगा ही। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स इंट्रोड्यूस तो कर दिए, लेकिन क्या वो ग्रीन क्रैकर्स बिक रहे हैं? क्या लोग उन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? ये तस्वीर और इस सवाल का जवाब हमें मिल रहा है यहाँ जामा मस्जिद मार्केट की अजीत फायरवर्क्स पर, जहाँ पर बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस वक्त कोई कस्टमर नहीं है। वो आते तो बड़े उत्साह से हैं कि उस मार्केट में जाएंगे, हमें फुलझड़ी, अनार, चक्री, स्काई शॉट, मल्टी शॉट भी मिला करेगा। जब वो हमारे पास आता है, आगे कहता है पहले चक्री है, हम कहते नहीं है। वो कहता है स्काई शॉट है, हम कहते नहीं है। कुछ तो है नहीं है, सिर्फ ये है ग्रीन क्रैकर। इसमें ग्रीन क्रैकर में क्या आ रहा है?
फुलझड़ी और अनार। उसके बाद अगर उसके लेने की इच्छा होती है तो जो डब्बा 150 का था वो 300 रुपया कॉस्ट कर रहा है। आधा तो आम आदमी वहीं टूट जाता है और आधा वहाँ टूट गया, उसको उसकी मनमर्जी की चीज़ नहीं मिल रही। तो ग्रीन क्रैकर्स आपके पास उतने आ रहे हैं जितने की ज़रूरत है? वैसे जितने की जरूरत है उतने आ रहे हैं, मगर लेने वाला तो कोई नहीं। यानी ग्रीन पटाखे दुकान में सजे हुए हैं पर खरीदार नदारद हैं। नहीं, इस साल मार्केट में पटाखे कम हैं। मैंने भी ट्राई किया कि मैं ओनली ग्रीन पटाखे ही जलाऊं और मुझे कुछ मिले हैं फुलझड़ी और कुछ अनार मिले हैं। हमारे पीछे से यानी माल की हमें अवेलेबिलिटी कराई जाए, हमारे पास माल नहीं है बेचने के लिए। शॉप हमारी दिन में 2 घंटे खाली खुलती है, 12 महीने का काम है हमारा। 12 महीने में खाली 2 महीने हमने मेन काम करना होता है, बाकी पूरा साल हम कुछ काम नहीं करते हैं यहाँ पे बैठ के। सीजन का काम होता है, 2 महीने के लिए काम करना है। 2 महीने में भी अगर काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? स्टाफ हमारा खाली बैठा हुआ है, हम कैसे करें? हम आपके थ्रू ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमारी ये बोलना चाहते हैं कि हमें माल की अवेलेबिलिटी करवाई जाए कि ताकि हमें ग्रीन पटाखा मिले और यहाँ पर हम सेल करने के लिए बैठे। तो क्या हवा को क्लीन करने के लिए लाए गए ग्रीन पटाखे अब कारोबारियों का धंधा क्लीन करने में लगे हैं?